दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रजनी फिर हाजिर हो चुकी हूँ एक लग्जरियस प्रोजेक्ट और बहुत ही अच्छी लोकेशन के साथ। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं 3+1 का कंसेप्ट, जो कि पहले मैं लोकेशन क्लियर कर देती हूँ। हमारी जो लोकेशन रहेगी, हमारी सेक्टर 88 की लोकेशन रहेगी। यहाँ पे आपको 3 BHK मिल जाएगा। 3+1 का कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये हमारी जो प्रॉपर टाउनशिप रहेगी, हमारी 18.5 एकड़ की टाउनशिप रहेगी। और 100% से अगर मैं ग्रीन एरिया की बात करूं और ओपन एरिया की बात करूं, आपका 80% आपका ओपन एरिया प्लस आपका ग्रीन एरिया रहेगा। प्रॉपर हमारी जो सोसाइटी है प्रॉपर मेंटेन है, बेसिक इम्यूनिटीज हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। रोड्स, क्लब हाउस हो गया आपका, स्विमिंग पूल, मतलब हमने कुछ टावर्स डिलीवर कर दिए हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। लोग वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, 200+ फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं वहाँ पे। और बाकी क्लब हाउस हमारा ऑपरेशनल है। जो बेसिक इम्यूनिटीज है हमारी सोसाइटी की, वो बिल्कुल कम्प्लीट है। अब हम लोकेशन इम्यूनिटीज की बात कर लेते हैं। हम खड़े हैं 88 सेक्टर में मोहाली के, जो कि ये हमारा जो सेक्टर है गमाडा का सेक्टर है। बिल्कुल यहाँ से अगर मैं आपकी लोकेशन इम्यूनिटीज की बात करूँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोड हो गया, उसके बिल्कुल नियर बाय हमारी सोसाइटी है। वॉक इन डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोड मिल जाता है। सुहाना हॉस्पिटल आपके बिल्कुल नज़दीक है। और अपना कोई भी मॉल हो गया, अपना बेस्टिक मॉल हो गया, यहाँ से बिल्कुल आपकी 5-10 मिनट की ड्राइव मिल जाती है आपको। बिल्कुल आप बीच की लोकेशन पे हो, आपको सारी अवेलेबिलिटी मिल जाती है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेजेस है, कोई भी लोकेशंस है। तो हम बात कर लेते हैं अपनी सोसाइटी की। पहले हम चलते हैं अपने अंदर, आपको एक बार सर्वे करवाते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंटर करती है आपके पास यहाँ पे आपकी वाइट रोड मिल जाती है। इसी के बिल्कुल आपके इस साइड आपको फ्रूट आपका गार्डन मिल जाता है। फ्रूट गार्डन आपको यहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल मेंटेन्ड है, जैसे देख रहे हैं हट बनाई हुई है हमने बिल्कुल, और मेंटेन्ड है बिल्कुल। और बिल्कुल इसके अपफ्रंट आपको आपके यहाँ पे टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाता है बिल्कुल उसके अपफ्रंट में। जो पीछे आप मेरे पीछे एलिवेशन देख रहे हैं, ये हमारा क्लब हाउस का एलिवेशन है। आपको मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारा जो क्लब हाउस है वो ऑपरेशनल है बिल्कुल। जिम इंस्टॉल्ड है बिल्कुल वहाँ पे, स्विमिंग पूल इंस्टॉल्ड है हमारा यहाँ पे बिल्कुल, पार्टी हॉल इंस्टॉल्ड है, बल्कि हर एक चीज़ जो बेसिक इम्यूनिटीज़ होती हैं अपनी सोसाइटी की बिल्कुल कम्प्लीट है। और ये हमारी जो सोसाइटी है, मैंने आपको सेक्टर बताई दिया है बाखूबी, आपको जो सेक्टर पड़ता है हमारा 88 का सेक्टर पड़ता है यहाँ पे। हमारा जो ये प्रॉपर अप्रूवल्स के साथ और बेस्ट कंस्ट्रक्शन के साथ है, यहाँ पे आपको नियर बाय ऐसा प्रोजेक्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही लग्जूरियस प्रोजेक्ट आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये तो हो गया हमारा बाहर का एरिया, जो कि आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं अपने सैम्पल फ्लैट की तरफ, जो कि 3+1 का आपका सैम्पल फ्लैट रहेगा। हम आ चुके हैं अपने सैम्पल फ्लैट के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। मैं यहाँ पे सैम्पल फ्लैट में खड़ी हूँ और मैं इसके साइज की बात करूँ, हमारा जो साइज रहेगा सैम्पल फ्लैट का वो हमारा 1481 स्क्वायर फीट। मैं आपको 3 BHK प्लस स्टोर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंटर करते हैं आपको यहाँ पे फॉर एरिया मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पे अपनी कुछ बनवाना है, कबर्ड वगैरह बनाने, वो बनवा सकते हैं। ये बेसिकली होता है फॉर योर सिक्योरिटी पर्पज़, कि आपकी जो विजिबिलिटी है वो नहीं रहती है। मोस्टली जो चीज़ें रहती है वो लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स पर मिल जाएंगी आपको। और एंटर करती है आपको यहाँ पे आपका स्टोर रूम बोल सकते हैं, पूजा रूम बोल सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे भी आपने अपने स्पेस को यूटिलाइज करना है, वैसे आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ एंटर करती है आपको आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिल जाता है। बेसिकली हमारा जो सैम्पल फ्लैट है, ये 3 BHK+1 का कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको 6 सीटर लगाने के बाद भी आपके पास काफ़ी सर्विस स्पेस मिल रहा है। जैसे आप सैम्पल फ्लैट में देख रहे हैं, ऐसे ही आप अपना घर डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली हमारा सैम्पल फ्लैट रेडी करने का मकसद ही ये होता है कि आपको स्पेस का आइडिया हो जाए और आपको आपकी जो यूटिलाइजेशन हमने की है अपने सैम्पल फ्लैट में, वैसी आपको चीज़ें मिल जाए कि आप कैसे अपना घर सजा सकते हैं। यहाँ पर 6 सीटर लगाने के बाद भी आपके पास काफ़ी सर्विस स्पेस आपको मिल जाएगी। इसी के साथ हमने यहाँ पर क्रॉकरी के लिए अलग से यहाँ पर बनवाया अपना, वैसे भी आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो लिविंग एरिया के बाहर अपना स्पेस आपको मिल रही है, बालकनी स्पेस मिल रही है आपको, काफ़ी स्पेशियस साइज में आपको बालकनी मिल रही है। यहाँ पे भी आप अपनी सिटिंग करवा सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे अपने जो ये सैम्पल फ्लैट है हमारा, ये रॉ सैम्पल फ्लैट है हमारा। तो बाकी हम बात कर लेते हैं अपने रूम की तरफ चलते हैं। पहले ये हमारा रहेगा रूम, अगर मैं इसके साइज की बात करूँ, इसका जो साइज रहेगा 10x13 का साइज आपको डिलीवर कर रहे हैं, जो कि काफी स्पेशियस साइज में किंग साइज बेड लगाने के बाद भी आपके पास काफी सर्विस स्पेस आपको मिल जाएगी।
सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको जो विंडोज है आपकी लिविंग एरिया से भी अटैच है, आपकी किचन से भी अटैच है और आपके रूम से भी अटैच है, यहाँ से भी आपकी विंडो आपको अटैच मिलेगी आपके फॉर योर वेंटिलेशन और योर सनलाइट। इसी के साथ हमारा अटैच रहेगा वॉशरूम जो कि स्लाइड वे में आपको रेक्टेंगल शेप में मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको विंडो की प्रोविजन मिल रही है और टाइल्स आपको फुल हाइटेड मिल रही हैं। प्रोविजन यहाँ पे उसकी बात करूँ, ब्रांडेड की बात करूँ, प्रॉपर जैगुआर की फिटिंग रहेगी, प्रॉपर ब्रांडेड फिटिंग रहेगी। अब हम चलते हैं अपनी मॉडुलर किचन की तरफ। हम आपको मॉडुलर किचन में क्या क्या दे रहे हैं आपको एक बार मैं दिखाती हूँ। ये हमारी रहेगी मॉडुलर किचन, जैसे कि आप देख रहे हैं सेम एज इट इज आपको डिलीवर की जाएगी। आपको हॉट के साथ आपका यहाँ पे मिल जाएगा, हॉट सर्विस मिल जाएगा आपको। मॉडुलर किचन आपकी सॉफ्ट कॉर्नर के साथ आपको मिल जाएगी। ये आपकी पेंट्री बॉक्स मिल जाएंगे सेम एज इट इज, जैसे हमने यहाँ पे अपने सैम्पल सेट में लगाए हुए हैं सेम एज इट इज आपको मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी इस साइड भी आपको ग्रीन लाइट मिल रहा है आपका, और इस साइड भी मिल रहा है, मतलब आपकी जो स्पेस है आप जैसे देख रहे हैं काफी स्पेशियस आपको आपकी मॉडुलर किचन मिल रही है। ये आपका हो गया बालकनी एरिया, जो कि मैंने आपको बोला था हमारी जो किचन है वो बालकनी से अटैच रहेगी, ये वो एरिया रहेगा। और हमारी यहाँ पे सिंक रहेगी आपकी अटैच, और यहाँ पे अगर मैं फिटिंग की बात करूँ ब्रांडेड फिटिंग रहेगी आपकी जैगवार की। ये जो स्पेस हमने अपना यूटिलाइज किया फ्रीजर का रहेगा, यहाँ पे आप फ्रीज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने रूम्स की तरफ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा रहेगा सेकंड बेडरूम, और अगर मैं इसके साइज की बात करूँ हमारा जो साइज रहेगा 11x12 का साइज रहेगा, जो कि काफी स्पेशियस साइज मिल जाता है आपको आपके रूम्स का। जैसे कि आप देख रहे हैं बेड लगाने के बाद भी आपके पास काफी सर्विस स्पेस मिल रहा है। इवन हमने यहाँ पे LED के साथ भी अपना यहाँ पे सिटिंग एरिया अरेंज किया है अपने सैंपल फ्लैट में। आप ऐसे भी कुछ अपना डिजाइन कर सकते हैं, अपना जैसे भी अपना रूम डिजाइन करना चाहते हैं। बेसिकली हमारा जो रहेगा ये यहाँ पे फ्रंट पे आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा, कि अगर आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप अपना पर्सनल वॉशरूम नहीं यूज करना चाहते, ये हमारा रहेगा गेस्ट कॉमन वॉशरूम बोल सकते हैं। गेस्ट आते हैं तो यहाँ से इजिली अप्रोच कर सकते हैं अपना वॉशरूम की तरफ। ये सेम एज इट इज आपको मिल रहा है ब्रांडेड फिटिंग के साथ, फुल हाइटेड टाइल्स के साथ, ग्लॉसी टाइल्स हमने यूज किए अपने बिल्कुल। और अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ये हमारा रहेगा मास्टर बेडरूम। फ्लोरिंग की बात करूँ हमारी जो फ्लोरिंग रहेगी वुडन की फ्लोरिंग रहेगी आपकी यहाँ पे आपके मास्टर बेडरूम में। काफी स्पेशियस आप देख पा रहे हो, काफी स्पेशियस साइज में आपको डिलीवर कर रहे हैं। बेड लगाने के बाद भी यहाँ पे भी आपको काफी स्पेस मिल जाता है, और इवन हमने LED पैनल भी अपने फ्रंट को कर रखा है उसके पास। हमने जैसे हमने अपनी डिजाइन कर रखी है यहाँ पे, बुक्स लगवाई हैं अपनी, जैसे भी हमने यहाँ पे डिजाइन किया वैसे अपना स्पेस को यूटिलाइज भी कर सकते हैं जैसे भी चाहे। और ये हमारी रहेगी अटैच बालकनी, काफी स्पेशियस साइज में आपको यहाँ पे भी सिटिंग एरिया मिल जाएगा बाहर भी आपको, क्योंकि काफी स्पेशियस आपको बालकनी डिलीवर कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा अटैच रहेगा वॉशरूम, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको मिल जाएगा बहुत ही क्लासी लुक के साथ। और आप कलर कॉम्बिनेशन चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन टाइल का यूज किया गया, ग्लॉसी टाइल्स हम यूज कर रहे हैं बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन के साथ, बहुत प्यारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ। बाकी आप कोई भी क्वेरी होती है इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाहर जाके देती हूँ। बेसिकली अभी जो हमने प्रोजेक्ट विजिट किया है, पहले मैं आपको थोड़ी सेक्टर की इन्फॉर्मेशन देती हूँ। हमारा जो सेक्टर है 88 का सेक्टर है, यहाँ पे हम आपको 3BHK का कंसेप्ट लेके आए हैं जो कि काफ़ी लग्जूरियस प्रोजेक्ट है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 18.5 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें आपको काफ़ी ग्रीन एरिया मेंटेन करके दे रहे हैं। 100% से अगर मैं ग्रीन एरिया की बात करूं और ओपन एरिया की बात करूं आपके 80% 80 टू 85% आपको ओपन एरिया प्लस ग्रीन एरिया मिल रहा है। काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे फ्लैट्स मिल रहे हैं आपके, और बिल्कुल मेंटेनेंस के साथ, चाहे वो क्लब हाउस की मेंटेनेंस है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो ग्रीनरी है, चाहे वो आपका मतलब गेम्स की चीज़ ले लो, चाहे वो आपके स्विमिंग पूल है, सब कुछ आपका फर्स्ट डे से मेंटेन है बिल्कुल। जो बेसिक इम्यूनिटीज आपकी सोसाइटी के बिल्कुल कंप्लीट है। हमारी सोसाइटी के बेसिकली 5 गेट रहेंगे आपकी, जो कि SS में रहेंगे आपके। मैं वो भी आपको एक बार मैंने जो उसमें डाला है शॉट भी आपको मैंने डाला है, वो भी आप देख लीजिए। बाकी हमारी जो सोसाइटी की सिक्योरिटी है 3-tier सिक्योरिटी रहेगी प्रॉपर आपकी। एक तो गेट पे सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपके बिल्डिंग के नीचे आपको स्पेशल सिक्योरिटी मिल रही है, जहाँ पे आपके अगर गेस्ट आते हैं वहाँ पे प्रॉपर एरिया बना रखा है, सिटिंग एरिया बना रखा है।
और आपको कॉलिंग यहाँ पे जो बिल्कुल आपके ऑन कॉल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपके कौन गेस्ट आया है, बिल्कुल सिक्योरिटी पर्पज से भी बिल्कुल सेफ है आपका. अगर आप रेंटल के लिए भी देखें, रेंटल के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, एंड यूजर के लिए तो है ही बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक लग्जरियर प्रोजेक्ट अगर बात करूं आपके नियर बाय यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव रेट में है, बट ये जो प्रोजेक्ट है अभी काफ़ी मॉडरेट और उसमें है, अपने रेट में है काफ़ी.